found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were. Welcome back to my channel, Make Up Your Dreams. I'm Ayushi, where I upload my fashion, beauty and lifestyle videos, guys. So aaj ka video hai with this makeup look. If you like my makeup look today, and I create this Valentine makeup look today, and really like this makeup look, and mujhe ye kafi zyada acha lag raha hai, because and first time I wear lenses, and agar mujh pe acche lag rahe hain lenses, so please guys mujhe niche comment box mein comment karke batana ki is it ye mujh pe kaise lag rahe hain. So today I create this makeup look, which is a Valentine makeup look, guys. So ye makeup look Valentine makeup look ke liye hi maine kiya hai shoot, specially for you guys, ki aap Valentine pe kaise ready ho sakte hain अपने यू नो बॉयफ्रेंड को, फियांसे को, अपने हस्बैंड को, या फिर व्हाटएवर किसी को भी आप इस मेकअप लुक से इम्प्रेस कर सकते हैं. एंड लिटरली गाइस, दिस वन इज अ सुपर अमेजिंग मेकअप लुक, बहुत ही इजी मेकअप लुक है. सो अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है, सो मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. हाय गाइस, सो आई यूज्ड द गुड वाइब्स का सीरम. It's very good for oily skin, for normal skin, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, प्लस आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग रखता है. सो मुझे इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैं इसको अच्छे से अपनी स्किन में रब कर लूँगी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए, एंड इससे मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लगने वाला है. सो आई रियली लाइक दिस सीरम अलॉट. लुक एट दिस गाइस. सो देन आई यूज दिस हिमालय का लिप बाम ताकि मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए लिपस्टिक से पहले, एंड बिल्कुल भी वो केकी ना लगे. फिर एवरी थिंग इज वेरी कलर कोऑर्डिनेट टूडे. देन आई यूज दिस ब्लू हेवन का प्राइमर. दिस इज सिलिकन बेस्ड प्राइमर जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है और आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लाइड करता है, एंड बिल्कुल भी केकीनेस नहीं आती, एंड इट रियली गुड, एंड आपके पोर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिलअप कर लेता है. आई रियली लाइक दिस प्राइमर अलॉट. देन आई यूज दिस वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर. इट्स रियली गुड कंसीलर, एंड ये आपके काफ़ी हद तक डार्क सर्कल को हाइड कर लेता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको कवरेज भी देता है. सो आई रियली लाइक दिस कंसीलर, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. सो आई रियली लाइक. देन आई यूज ADS बनाना पाउडर टू सेट माई कंसीलर, एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. देन आई यूज़ दिस ब्राउन शेड ट्रांजिशन शेड देने के लिए. इससे आपका आई शेडो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, एंड आपके आईज़ को एक डेपनेस मिल जाती है. सो इससे आपका ओवरऑल आई लुक बहुत ज़्यादा प्रिटी आता है. देन आई यूज़ दिस टेप ताकि मेरा आई शेडो बहुत ज़्यादा शार्प दिखे और बहुत ही एजी लुक आए. देन आई यूज़ दिस पिंक पर्पल शेड अपने पूरे आई लिड पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी. आई रियली लाइक दिस शेड अलॉट एक्चुअली बिकॉज, और ये मेरे फेस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आप देख रहे हो इस तरीके से आपको ब्रश को चलाना है, और आपको अपने पर्पल शेड को इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लेकर आना है. लाइक दैट, लुक एट दिस गाइस. देन सेम मैं रिपीट कर लूँगी दूसरी आई में भी. देन आई यूज दिस ऑरेंज रस्टी शेड एक हिंट ऑफ यू नो ऑरेंजी शेड देने के लिए. इससे आई मेकअप और ज़्यादा यू नो इन्हेंस होके दिखता है. देन आई यूज दिस ट्विस्ट ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो, एंड आई रियली लाइक. मैंने ऑलरेडी इस पर एक रिव्यू भी कर रखा है, सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी, आप देख सकते हो. एंड यू नो आपका पूरे फेस पे जो अट्रैक्शन होता है ना, विच इज़ योर आई, अगर आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, तो ओवरऑल बहुत प्रिटी लुक आता है. सो मैं इसको अच्छे से स्मर्ज कर लूँगी अपनी पूरी आईलिड पे ताकि एक यू नो एक अच्छा सा ग्लिटरी इफेक्ट आए जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अपना आई लुक. मैंने यू नो इस टाइप का कभी ट्राई नहीं किया, सो आई ट्राई फर्स्ट टाइम. लुक एट दिस. देन आई रिमूव माई टेप्स, एंड यू नो
लुक एट दिस गाइस, कितना एजी एंड कितना शार्प वाला आई मेकअप हुआ है. सो देन आई यूज दिस लोरियल इन्फिलिबल फाउंडेशन. दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन एवर आई यूज्ड. देन आई यूज दिस EDS बनाना पाउडर टू सेट माई फाउंडेशन एंड आई रियली लाइक दिस कॉम्पैक्ट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मेरे स्किन टोन पर सूट करता है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. देन आई यूज दिस मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल. आई रियली लाइक एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है. सो लुक एट दिस गाइस, आईब्रो फील करने से आपका ओवरऑल फेस पे कितना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. देन आई यूज दिस कॉन्टोर पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. आई रियली लाइक दिस, यू नो इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यू नो कॉन्टोर से आपके फेस को एक शेप मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड यू नो स्पेशली जिनका यू नो डबल चिन हो कुछ भी हो तो वो अच्छे से यू नो उसको हाइड कर लेता है लाइक मी, जैसे मैं कर रही हूँ. देन आई कॉन्टोर माई जॉ लाइन, माई डबल चिन एंड आई कॉन्टोर माई नोज़. इससे आपका नोज़ बहुत ज़्यादा स्लिम लगेगा. या लाइक दैट गाइज. देन आई यूज़ शिवाना कलर्स का ब्लशर पैलेट. आई रियली लाइक पिंकी ग्लो जो फेस पे आता है एंड यू नो बहुत ही नेचुरल भी लगता है सो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे. देन मैं वही सेम पर्पल कलर लेकर लोअर लैश पर अप्लाई करूँगी जिससे मेरा आई लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड यू नो एक बहुत सॉफ्ट लुक लगने वाला है. देन आई यूज़ काजल. काजल लगाने के बाद आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, बहुत डीप लगती है एंड आपकी आईज़ काफ़ी ज़्यादा यू नो बड़ी भी लगती है. सो इट्स वेरी गुड फॉर जिनकी छोटी आईज़ है. देन आई यूज़ दिस वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर. दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल है और इसकी पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी यू नो चंकी ग्लिटर्स नहीं है, बहुत ही फाइन है. सो आपके फेस पे है ना और स्किन पे ऐसा लगेगा ना इट्स वेरी वेरी सुपर, आपको बहुत अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करेगा विच इज़ वेरी गुड. जो एक हाईलाइटर में होना चाहिए वो आपको इसमें मिलता है. लिटिल बिट क्यूपिड बो पे, नोज पे. Then I use this lipstick from निका के in the shade Turkish Rose. So it's my final look. I really like my eye makeup and I really loved it, my overall makeup. मेकअप लुक अच्छा लगा सो प्लीज गाइज गिव इट अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन गाइज फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज के लिए. अगर आप इसी टाइप के और अमेजिंग मेकअप लुक्स देखना चाहते हो सो प्लीज गाइज कॉमेंट मी ऑन कॉमेंट सेक्शन. बाय, लव यू.